morning to all of you students. Today we are going to start our new syllabus, algebra, linear equation in two variables. In previous video, we seen that we are seeing basics of algebra, and today we are going to learn about linear equation in two variables. This is our first chapter. तो अभी हम इसमें देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है. पहले हम देखेंगे फिलहाल लीनियर इक्वेशन क्या होता है. तो इक्वेशन सबको पता है, समझो ये कोई इक्वेशन है, 2x² + 3x - 9 = 0 या 5x³ + 4x² - 5x + 2 = 0. और एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 2x + 3y = 0. अभी देखिए ये इक्वेशंस. तो पहला जो इक्वेशन है फिलहाल, तो इक्वेशन की डिग्री के बारे में समझते हैं हम. इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? अगर ये इक्वेशन है तो इसमें जो वेरिएबल होता है वो इसे वेरिएबल कहते हैं. जैसे कि एक्स है, वाई है, जो भी कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, ये जो होते हैं वेरिएबल. और इसके सामने जो भी वर्ड, जो भी नंबर होता है वो होता है कोएफिशिएंट. अल्फाबेट्स यानी ये वेरिएबल्स, और उसके सामने जो भी नंबर होता है वो उसका कोएफिशिएंट. तो ये जो टर्म है, ये इक्वेशन है, इसकी ये जो टर्म है, इसकी जो डिग्री है, इसकी जो पावर है, इसकी जो एक्स की पावर है वो सबसे ज्यादा है. यहाँ पे तो देखो अभी एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्स की पावर 0 है. यहाँ पे एक्स के ऊपर पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 होती है. और यहाँ पे एक्स के ऊपर पावर क्या है? 2. यानी सबसे ज्यादा पावर 2 है. तो इसकी डिग्री क्या हुई? 2. फिर ये इक्वेशन देखेंगे, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा पावर इस एक्स पे है और वो है 3. यानी इसकी ये इक्वेशन की डिग्री हुई 3. फिर ये इक्वेशन देखते हैं, इन दोनों इक्वेशन में आपको दिखा यहाँ पे सिर्फ एक्स है, यहाँ पे ओनली 1 वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है. लेकिन ये इक्वेशन देखिए, इसमें एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, यानी ये 2 वेरिएबल. और इसकी डिग्री देखिए, यानी डिग्री क्या है? इसकी भी 1 है और इसकी भी 1, यानी इसकी डिग्री 1 है. तो यह लीनियर इक्वेशन है. जिस भी इक्वेशन की अगर डिग्री 1 हुई तो वो इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन. और इसमें 2 वेरिएबल है इसलिए इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो हमें ऐसे इक्वेशन देखने हैं. ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ax + by + c = 0 और ax + by = c. इन दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला. तो अभी आपको लीनियर इक्वेशन यानी क्या होता है ये समझ में आ गया. तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे. अभी हमें दो इक्वेशन दिए जाते हैं यहाँ पे, उसकी हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 1.1, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1. इसमें आपको बॉक्स दिए हुए हैं, तो उस बॉक्स में आपको वैल्यू भरनी है. 4x + 3y = और 2x - 3y = 12. इसे कहिए इक्वेशन 1 और इसे कहिए इक्वेशन 2. तो अभी इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे हम. तो यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएबल में इस वाई का कोएफिशिएंट और इस वाई का कोएफिशिएंट दोनों सेम है, तो हमें या तो एडिशन करनी होगी या तो सब्ट्रैक्शन. अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो हमें एडिशन करनी चाहिए. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
तो देखिए 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, और फिर ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो अभी इन दोनों पे एडिशन करेंगे हम, 5x प्लस 2x क्या होगा 7x, फिर ये पॉजिटिव 3y और ये निगेटिव 3y कैंसल आउट, 12 प्लस 9 होगा 21। फिर यहां पे 7x है, ये x मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में जाकर डिवीजन में, 7 3 20 1, आंसर x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है हमें, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे वैल्यू, x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करना है, जैसे कि 5 3 प्लस 3y इक्वल टू 9, 5 3 15 प्लस 3y इक्वल टू 9, 3 15 पॉजिटिव है, इस साइड में जाकर निगेटिव, नाइन माइनस 15। तो यहाँ पे बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले हम, 15 से 9 भी गए तो क्या आएगा 6, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन देखना है हमें, वो माइनस है इसलिए माइनस 6। फिर ये 3 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में जाकर डिवीजन में, फिर आगे आंसर माइनस 2, वाई की वैल्यू माइनस 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी एक्टिविटी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 और a प्लस 5b इक्वल टू 22। तो अभी यहाँ पे भी 5b है और इस इक्वेशन में यहाँ पे भी 5b है, दोनों का साइन सेम है, तो हमें क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट। पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, a प्लस 5b इक्वल टू 22। अभी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, हमें पता है सब्ट्रैक्शन में साइन जो होते हैं वो चेंज होते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, और 26 और ये 22 जो है वो पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, 3a माइनस a, अभी ये साइन लिखनी है आपको, 3a माइनस a, 2a, 5b में से 5b गया करेक्ट कैंसल आउट, 26 माइनस 22 ये हो जाएगी 4, फिर a, a की वैल्यू क्या आएगी 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2। अब इस a की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो ये हो जाएंगे 20, सॉरी ये 26 है, ये 6,
प्लस 5b इक्वल टू 26। ये पॉजिटिव है, इस साइड में जाकर निगेटिव, 26 माइनस 6 क्या हो जाएगा 20। तो b की वैल्यू क्या आएगी, b इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5। b इज इक्वल टू 4। तो यहां पे हमें मिल गई b की वैल्यू, a और b दोनों। तो इसी प्रकार से हमें अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। प्लस 7y इक्वल टू 20, बी एक्स माइनस 2 है इक्वल टू 7। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे अभी कोएफिशिएंट डिफरेंट है, दोनों इक्वेशन के दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट डिफरेंट है, हमें पहले सेम करने हैं दोनों के कोएफिशिएंट सेम करने हैं। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। वो कैसे देखेंगे, से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इंटू 7 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 30। ये हो गया इक्वेशन 3। तो अब हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 दोनों की क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 है इक्वेशन, 3x प्लस 21y इक्वल टू 30, और इक्वेशन 2 है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। अभी सब्ट्रैक्शन करनी है हमें, तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस, 3x माइनस 3x 0 हो गया, फिर 21y प्लस 2y, यहाँ का साइन देखना है, 21 प्लस 2 23y एज इट इज, 30 माइनस 7 फिर ये हो जाएंगे 23, तो y 23 डिवाइडेड बाय 23, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था, इस साइड में आकर डिवीजन में y की वैल्यू 1। अभी यही y की वैल्यू 1 जो है वह हमें इस किसी भी इक्वेशन में डालकर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम। y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, 3 इक्वेशन 3 में हमने y की वैल्यू पुट की, तो 3x प्लस 21 y की वैल्यू 1 यानी 30। अभी ये 21 पॉजिटिव है, 1 इंटू 21 ये पॉजिटिव है, तो उस साइड में जाकर यह क्या हो जाएगी निगेटिव, जैसे 30 माइनस 21, तो 30 माइनस 21 9,
एक्स की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा आंसर 3। अब हमें x की वैल्यू भी मिल गई। उसी प्रकार से हम अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। x माइनस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस y इक्वल टू 30। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो, इसका भी कोएफिशिएंट 2x है, इस इक्वेशन में भी कोएफिशिएंट 2x है, 2 है, यानी x का कोएफिशिएंट 2 है, दोनों टर्म सेम है। देखो 2x 2x, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन, यानी ये 2x 2x कैंसल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू मिल जाएगी हमें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2x प्लस y इक्वल टू 30। सब्ट्रैक्शन है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, ये भी पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, ये 2x 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव 2x निगेटिव 2x कैंसिल आउट। माइनस 3y माइनस y क्या हो जाएगा, माइनस 4y, क्योंकि दोनों निगेटिव है तो एडिशन करनी है, दोनों अगर निगेटिव है, यहां का साइन देखना है हमें, ये पॉजिटिव y नहीं देखना है, माइनस y है ये, माइनस 3y माइनस y माइनस 4y, फिर ये 9 माइनस 13, यहां पे 13 में से 9 गए 4, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लेना है, बड़ा 13 है, 13 निगेटिव है इसलिए माइनस 4, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4, ये मल्टीप्लिकेशन में है उस साइड में जाकर डिविजन, तो माइनस 4 और माइनस 4, तो ये आंसर आ जाएगा 1, माइनस 4 बनगा माइनस 4। तो ये एक्स की वैल्यू हमें इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, तो हमें y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं तब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे देखते हैं हम, प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, 2x माइनस 3, y की वैल्यू आई थी 1, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो ये 2x माइनस 3 y की वैल्यू 1 इक्वल टू 9, फिर 2x माइनस 3, माइनस 3 उस साइड में जाकर प्लस 3 हो जाएगा, 9 प्लस 3 12, और ये जो 2x है, जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, इस साइड में जाकर डिविजन में, तो x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 6, तो हमें दोनों वैल्यूज मिल गए, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 1। आप वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 4 देखते हैं हम, 5m माइनस 3m इक्वल टू 19, m माइनस
सिक्स एन इक्वल टू माइनस सेवन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर। इसे क्वेश्चन नंबर वन लीजिए और इसे क्वेश्चन नंबर टू। तो अब यहां पे यम है, यहां पे फाइव एम है। हमें अगर इसको इक्वल करना है तो इसे फाइव से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे थ्री एन है, यहाँ पे सिक्स एन है। अगर हम इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हो जाएगा सिक्स एन। तो हम इसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो इजी जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू, क्योंकि ये छोटा नंबर है इसलिए ये इजी जाएगा। तो टू से मल्टीप्लाई कर दिए हमने, फाइव इंटू टू टेन एम, टू इंटू थ्री सिक्स माइनस सिक्स एन इक्वल टू नाइनटीन, टू सा थर्टी एट। ये हो गया इक्वेशन थ्री। अब इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो हमें क्या करनी होगी, सब्ट्रैक्शन। अगर साइन डिफरेंट है तो एडिशन, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री लिख लो फिर, थ्री एम माइनस सिक्स एन इक्वल टू थर्टी एट। इसमें से इक्वेशन टू सब्ट्रैक्ट करना है हमें, एम माइनस सिक्स एन इक्वल टू माइनस सेवन। अब ये सब्ट्रैक्शन है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। नीचे वाली जो भी टर्म होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव, और निगेटिव का फिर से ये पॉजिटिव हो गया। टेन एम माइनस एम तो हो जाएगा नाइन एम, ये तो कट ही जाएंगे, माइनस सिक्स एन प्लस सिक्स एन कट गए। टेन एम माइनस एम नाइन एम, थर्टी एट में से सेवन गए थर्टी वन, बचे कितने थर्टी वन। तो ये 38 प्लस सेवन, यहां का साइन देखना है हमें नीचे का, 38 प्लस सेवन 45। ये ना यन मल्टीप्लीकेशन में है, वो यहां पे आकर डिवीजन में, इस साइड में आकर डिवीजन। 9 5 45, एम की वैल्यू मिल गई हमें 5। तो ये वैल्यू हमें इक्वेशन में, इस किसी भी इक्वेशन में रखकर हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले नोट डाउन कर लीजिए ये सब। तो हमें एन की वैल्यू मिल गई थी 5, तो वो पुट करते हैं इक्वेशन थ्री में। टेन एम की जगह 5 माइनस सिक्स एन इक्वल टू 38। टेन फाइव 50 माइनस सिक्स एन इक्वल टू 38। ये 50 इस साइड में होकर निगेटिव, 38 माइनस 50 और ये माइनस 6 है, 38 माइनस 50, तो 50 में से 38 गए, क्या हो जाएगा 12। बड़े नंबर की साइन देनी है, बड़ा नंबर निगेटिव है इसलिए माइनस 12। ये माइनस 6 है, इस साइड में जाकर, इसमें मल्टीप्लिकेशन में था, इस साइड में जाकर डिवीजन में, 6 टू जा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 टू जा एन की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो लिख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। फाइव एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू माइनस 3 और एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू 4। एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू 4। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट देखिए, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 5y। अब हमें इसे सेम करना है, कोएफिशिएंट दोनों के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। अगर इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 5x आ जाएगा, तो ये कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे दोनों इक्वेशन के। तो चलो फिर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को 5 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 25y इक्वल टू 20, 5 फॉर द 20। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों का हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, दोनों सेम है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद कट आउट हो जाएंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है 5x प्लस 25y इक्वल टू 20। इस इक्वेशन में से हमें इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3। तो सब्ट्रैक्शन में हमें पता है साइन चेंज हो जाएंगे, फिर ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव 5x नेगेटिव 5x कट आउट, 25y माइनस 2y तो क्या होगा 23y। 20 प्लस 3 23, ये y मल्टीप्लीकेशन में इस साइड में होकर डिवीजन में 23 डिवाइडेड बाय 23, तो y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू हमें मिल गई 1। तो यही y की वैल्यू 1 हमें पुट करनी है इक्वेशन 1 में या 2 में भी कर सकते, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगी x की वैल्यू। तो चलिए निकालेंगे हम x की वैल्यू, तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट करते हैं, 5x प्लस 2 y की जगह पे 1 इक्वल टू माइनस 3। टू वन दा 2 माइनस 3 कर देंगे 5x। ये जो पॉजिटिव 2 है इस साइड में होकर नेगेटिव 2 हो जाएंगे, माइनस 3 माइनस 2 और ये 5x। माइनस 3 माइनस 2 दोनों नेगेटिव है तो एडिशन और साइन नेगेटिव, माइनस 5, ये 5 डिवीजन में जाएगा और x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, एक्स की वैल्यू माइनस 1। ये मिल गए हमें एक्स की वैल्यू, हमने 5 देखे, लिख लीजिए ये। हम छठा क्वेश्चन करेंगे, अब सातवां क्वेश्चन, सॉरी सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं।
वन बाय थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन अपॉन थ्री, टू एक्स प्लस वन बाय फोर वाई इक्वल टू इलेवन अपॉन फोर। इसे इक्वेशन नंबर वन कह दीजिए और इसे इक्वेशन नंबर टू। तो ये इक्वेशन डिफरेंट है, बाकी अब तक जो आए हमें इक्वेशन उस इक्वेशन से थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें हमें देखना है यहाँ पे डिवीजन में क्या है, थ्री, और यहाँ पे डिवीजन में फोर। तो जो भी वैल्यू डिवीजन में दी है हमें तो उसे मल्टीप्लाई करना है पहले। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय डिवीजन में क्या है थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा x, इसे थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद थ्री थ्री कैंसल आउट हो जाएगी, तो ये थ्री वाई आ जाएगा और ये टेन। इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर थ्री। अब इक्वेशन टू को फोर से करना है हमें मल्टीप्लाई। फोर इंटू टू एट एक्स प्लस वाई इक्वल टू इलेवन, इसे कहेंगे हम इक्वेशन फोर। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है जैसे हम पहले सॉल्व करते थे। तो अब हम इक्वेशन थ्री को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये दोनों टर्म सेम हो जाएगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री बाय एट, एट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये हो जाएगा थ्री, इक्वेशन थ्री एट एक्स, एट से मल्टीप्लाई करने के बाद एट थ्री का ट्वेंटी फोर वाई, एट इंटू टेन एटी। तो ये हो गया इक्वेशन फाइव। तो अब हमें इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी एक्स और एट एक्स एट एक्स कट जाएगा और हमें वाई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो नोट डाउन कर लीजिए पहले। सो देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फोर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फाइव। इक्वेशन नंबर वही लिख लेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन फोर फ्रॉम इक्वेशन फाइव। इक्वेशन फाइव क्या आया था हमारा, एट एक्स प्लस ट्वेंटी फोर वाई इज इक्वल टू एटी, ये था इक्वेशन फाइव। और इक्वेशन थ्री क्या था, एट एक्स प्लस वाई इक्वल टू इलेवन। इक्वेशन फोर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए जो साइन है इक्वेशन नंबर फोर के वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, एट एक्स कैंसिल आउट, ट्वेंटी फोर वाई माइनस वाई ट्वेंटी थ्री वाई, एटी माइनस इलेवन ये हो जाएंगे सिक्सटी नाइन। फिर ये ट्वेंटी थ्री जो है मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड में होकर डिवीजन में चला जाएगा, ट्वेंटी थ्री थ्री का सिक्सटी नाइन, तो वाई की वैल्यू आ गई थ्री। लिख लीजिए तो इक्वेशन नंबर सेवन देखिए, इक्वेशन नंबर सेवन क्या है, नाइनटी नाइन एक्स प्लस वन जीरो वन वाई इक्वल टू फोर नाइन नाइन एंड वन जीरो वन एक्स प्लस नाइनटी नाइन वाई इक्वल टू फाइव जीरो वन। अब इस टाइप के इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है देखिए, यहाँ का कोएफिशिएंट, यहाँ पे जो एक्स का कोएफिशिएंट है वही सेकंड इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे जो वाई का कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वही
सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है। तो ऐसे इक्वेशन में हमें एक बार एडिशन करनी होगी और एक बार सब्ट्रैक्शन करनी होगी। जब एडिशन करते हैं तब हमें एक इक्वेशन मिलता है और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हमें एक इक्वेशन मिलता है। वो सिंप्लीफाइड इक्वेशन होंगे, उन दो इक्वेशन से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे ये हम देखेंगे। तो ये सपोज ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू, एड इक्वेशन वन एंड टू, दोनों के एडिशन करेंगे हम। 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 प्लस 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। 9 प्लस 1, अब ये 99 प्लस 101 पूरा क्या हो जाएगा 200 एक्स, दैट इज 101 प्लस 99 ये भी 200 वाई एज इट इज 499 प्लस 501 ये हो जाएगा 1000। फिर इस इक्वेशन को हम 200 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 200 तो क्या मिलेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, इसी हिसाब से हम अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। पहले एडिशन किए हमने, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिख लीजिए पहले, इसी में से हमें इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। मटके वाला था क्या ब्रो? अरे वो मटके वाला था क्या? क्या दूसरी जगह ले? हाँ, यानी कि जैसे भी हम सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होगा? चेंज, ये पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव। 101x माइनस 99x ये हो जाएगा 2x। फिर ये 99y माइनस 101y, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर का साइन, 101 बड़ा है इसलिए माइनस 2y इक्वल टू 501 माइनस 499 तो ये आ जाएगा 2। अब इस इक्वेशन को हमें 2 से डिवाइड करना है सब, तो ये हो जाएगा x माइनस y इक्वल टू 1, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला x प्लस y इक्वल टू 5 और इक्वेशन नंबर 4 x माइनस y इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन की हमें क्या करने है एडिशन, क्योंकि ये जो नंबर है y की, y यहाँ पे पॉजिटिव y है यहाँ पे निगेटिव y है, हम एडिशन करेंगे तो y y कट जाएगी और x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। एड इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 1, x और x 2x, y कट गए पॉजिटिव नेगेटिव, 5 प्लस 1 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। यही x की वैल्यू 3 हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। थ्री प्लस वाई इक्वल टू 5, ये 3 पॉजिटिव है उस साइड में होकर निगेटिव, 5 माइनस 3 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर यू होमवर्क।
बाय छात्रों।